विदिशा जिले की तहसील लटेरी मामला मुरवास थाने के मुरवास थाना प्रभारी शहनाज बानो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सावनी राम बाबू साहू प्रधान, आरक्षक रामचरण चौधरी, आरक्षक सौभाग सिंह, आरक्षक विवेक, आरक्षक वीरेंद्र, आरक्षक राहुल, सैनिक गजरा, सैनिक श्याम, जिनके द्वारा मेहनत और लगन से प्रयास कर मुखबिर पर पूर्व में की गई चोरी कमलेश उर्फ धोनी पिता कल्लू केवट निवासी रुसल्ली साहू के द्वारा भैया लाल शर्मा के यहाँ सोयाबीन की चोरी हो गई थी, जिस पर थाना मुसवास के अपराध क्रमांक 24/19 धारा 457 और 380 भावधि पंजीवृद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी द्वारा जिन सभी कार्यों में काम किया गया था, आरोपी सदर कमलेश उर्फ धोनी पर फरियादी द्वारा संदेश जाहिर करने, मुखबिर द्वारा सूचना देने एवं ग्रामवासियों द्वारा पुनः चोरी करते पकड़े जाने का संदेह होने पर आरोपी कमलेश उर्फ धोनी से हिमकत अमली से पूछताछ करने पर दिनांक 14 को आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकारने, आरोपी ने बताया कि मैंने 28/5/2019 को अपने साड़ू रोशन रैकवार निवासी विदिशा वाले ने महाराज के घर में कुंडी काट कर घर में घुस गए और नगदी पैसे जेवर लूट कर चले गए। महाराज की आवाज़ सुनने पर हम लोग बाहर की तरफ भागे तो महाराज ने हमें पकड़ने का प्रयास किया तो रोशन ने कट्टे से फायर किया था और चुराया हुआ सामान लेकर बाहर आकर हमने अपने अन्य साथी ताहिर खान निवासी बड़ा खेड़ा करमेड़ी थाना शमशादाबाद वाले एवं उसके एक अन्य साथी जिसका नाम नहीं जानता हूं को ले जाकर दे दिया था। मुझे 10,000 व 15,000 रोशन को दिए थे। चोरी करते समय मैंने एक जोड़ी की चांदी की पायल व 2 चांदी के सिक्के मेरी जेब में रखे हुए थे, जो मैंने अपने घर के अंदर सूटकेस में छुपा रखा था, और जो पैसे मुझे मिले थे वो मैंने खर्च कर दिए थे। उसमें से 2,000 मेरे पास रखे हैं और चोरी करते समय जो कट्टा उपयोग किया था वह मेरे साड़ू भाई के पास है। उक्त जानकारी पर आरोपी रोशन रैकवार पिता कुंदन रैकवार निवासी अनीता पाठक से पूछताछ की जुर्म स्वीकारा गया। आरोपी ने अपने घर के अंदर बिस्तर पेटी के अंदर से एक लोहे की तार काटने की कटर, एक देसी कट्टा जिसकी कीमत 15,000 रुपये में से एक बचे 5,000 पेश किए, जो जब्त कर पुलिस किए गए बाकी चोरों का सारा सामान अपने साथी ताकिर के पास होना बताया, जिसकी तलाश की जा रही। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त कर अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई है। अभी वर्तमान में दिनांक लगभग 14 तारीख को कल आरोपी कमलेश निवासी रुसली साहू का है, जिसके द्वारा पूर्व में भी महाराज के यहाँ पर चोरी की गई थी। सोयाबीन की चोरी को आरोपी गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना मुरवास में अपराध क्रमांक 24/19/457 का पंजीकृत किया गया। उक्त आरोपी पर ही संदेह जाहिर करने पर उसे ग्रामवासियों द्वारा पुनः चोरी जैसे वारदात में चाहिए तो होने पर मुखिया द्वारा सूचना दी गई। उक्त सूचना पर मेरे द्वारा और मेरे साथ जो टीम थी उसके द्वारा तस्दीक की गई। लगातार तस्दीक एवं हिम्मतम्बी से पूछताछ के दौरान आरोपी कमलेश और धोनी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया एवं दिनांक 28/5/19 को अपने साड़ों भाई रोशन देखवाल निवासी विदिशा के साथ मिलकर महाराज के यहाँ चोरी को अंजाम देना बताया। चोरी में जो सामान चोरी किया जेवर और पैसे, वो सारा सामान उन्होंने अपने एक अन्य साथी ताहिर खान बड़ा खेड़ा करमेड़ी थाना शमशाबाद के अन्य साथी को देना बताया। उसका एक और अन्य साथी उनके साथ था जिसका नाम नहीं जानता। चोरी करते समय धोनी द्वारा स्वीकार किया गया कि एक जोड़ी पायल और 2 चांदी के सिक्के गिर गए थे सामान उठाते समय, उन्होंने अपनी जेब में लिए थे। उक्त सामान मेरे घर की पेटी में रखा हुआ है। कुछ पैसे खर्चे के लिए 15,000 रुपये रोशन को और 10,000 रुपये धोनी को दिए गए थे। उसमें से 2,000 रुपये धोनी से बरामद हुए हैं और 5,000 रुपये रोशन से बरामद हुए। घटना करते वक्त जो कटर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सांतों को काटा गया था, एवं जो भागते समय जो कट्टे से फायर किया गया था, वो दोनों ही वस्तुएँ रोशन रेखवाल से बरामद हुई हैं एवं धोनी ने स्वीकार किया है कि जो कटर चोरी करते समय इस्तेमाल की गई थी, जिससे साइकिल काटी थी, और जो कट्टा पाया गया था वो दोनों रोशन के पास रखे। रोशन ने स्वीकार किया और रोशन से बरामद किया। ये कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? इनको इनके घर से संदेह होने पर पूछताछ के दौरान स्वीकार करने पर इनके माल की बरामद करने के बाद इनके घर से गिरफ्तार। फास्ट इंडिया न्यूज से नदीम खान की रिपोर्ट।